गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का ये जो चैप्टर नंबर 7 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कैन यू रिकॉल, इसमें दो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, क्या आप इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द थ्री टाइप्स इन विच एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड। तो ये ऑलरेडी देखिए पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एलिमेंट्स जनरली इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो पहले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और क्योंकि इस चैप्टर में हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, तो एलिमेंट्स जो है इसको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड, ठीक है, ऐसे भी क्लासिफाई किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन तो इसका है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग पिछली चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में दोस्तों हम लोग कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है। देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम डे टू डे लाइफ में आपके किचन में काम आता है, कॉपर आपके किचन में काम होता है पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है, या कुकिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है दोस्तों देखिए यहाँ पर एजी मतलब क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर के जैसे कि मूर्ति वगैरह जो होते हैं सिल्वर के होते हैं। ठीक है, फिर गोल्ड, एयू मतलब गोल्ड होता है, तो गोल्ड भी एक मेटल है, सिल्वर भी एक मेटल है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, तो ये सारे मेटल्स हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस, ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान में रखिए, ये कुछ मेटल्स के नाम आपको याद करने हैं, कुछ नॉन मेटल्स के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे आगे आपको ये नाम जो है याद हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इस चैप्टर में क्या हमें क्या पढ़ना है, देखिए इस चैप्टर में दोस्तों हमें यहाँ पर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और मेटालॉइड की डेफिनेशन, और सिर्फ मेटालॉइड के दो नाम याद करने, इतना ही। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और मेटालॉइड की डेफिनेशन और दो नाम। ठीक है, पूरा चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, ये जो मेटल है इस मेटल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक है, देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन ही प्रोवाइड की गई है। ठीक है, मेटल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, लेकिन अगर मेटल की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों ये मेटल्स की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए तो दोस्तों ये मेटल्स की डेफिनेशन देखिए, मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज मेटल्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसे मटेरियल्स जिस मटेरियल्स में से दोस्तों हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, हीट और करंट जो है आराम से उसके अंदर से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उनको दोस्तों मेटल्स बोला जाता है। अब दोस्तों मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मेटल्स हैं दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सिल्वर, फिर गोल्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो सिल्वर, ऐसे भी लिख सकते हो, या उसके सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों कॉपर, कॉपर का आप सिंबल भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉपर। ठीक है, ओके, फिर एल्यूमिनियम, उसका सिंबल भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों मर्क्यूरी, तो थर्मामीटर के अंदर होती है वो, मर्क्यूरी भी दोस्तों एक मेटल है। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन वो मेटल है। ठीक है, तो जैसे मर्क्यूरी भी लिक्विड स्टेट का मेटल है, वैसे दोस्तों एक और है गैलियम। ठीक है, ये गैलियम भी एक मेटल है और ये भी लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो मेटल्स की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए और कुछ नाम पूछे जाए तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर बात करनी है, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या हमें बात करनी है, देखिए यहाँ पर हमें बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, मेटल्स की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो उसमें से मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको हम पढ़ने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए फिजिकल स्टेट, तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर फिजिकल स्टेट। अब ये फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए तो ये फिजिकल स्टेट का मतलब है कि वो जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है डे टू डे लाइफ का, उस नॉर्मल टेम्परेचर पे जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है। तो जनरली क्या होता है दोस्तों, सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम,
ठीक है, फिर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे आपको सॉलिड स्टेट में दिखेंगे ना। सिर्फ दो एक्सेप्शन है इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको पिछले कंसेप्ट में बता चुका हूँ कि मर्क्यूरी और गैलियम ये दो ही सॉलिड हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो ये बात जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फिजिकल स्टेट है उसके अंडर आपको क्या लिखना है, देखिए, अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब डे टू डे लाइफ का जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, उसके अंदर दोस्तों सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ठीक है, फिर दोस्तों इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब उसको मराठी में अपवाद बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी और गैलियम, मर्क्यूरी और गैलियम ये जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में दोस्तों लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये फिजिकल स्टेट जो है ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगली प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है लस्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये लस्टर का मतलब क्या होता है, देखिए, तो दोस्तों ये लस्टर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, आपको लस्टर अगर पूछते हैं तो डेफिनेशन लिखने हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लस्टर क्या होता है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगा। ठीक है, तो ये लस्टर क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू शाइन। ठीक है, शाइन मतलब चमकना, तो चमकने की जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की उसको लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों सारे के सारे जो मेटल्स हैं, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे जो हैं ये लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमक चमकते रहते हैं, ये सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं जनरली ये चमकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी लस्टर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब दोस्तों लस्टर के बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। ठीक है, तो दोस्तों हार्डनेस का मतलब क्या है, देखिए ये मतलब भी शायद से यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन ठीक है, ओके, यहाँ यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, हार्डनेस का मतलब क्या है, देखिए, तो दोस्तों ये हार्डनेस क्या होता है, देखिए, तो दोस्तों ये हार्डनेस क्या होता है, देखिए, इट इज़ रेजिस्टेंस टू स्क्रैच या कट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोज करना। ठीक है, तो हार्डनेस मतलब क्या, कि स्क्रैच या कट को अपोज करता है ये। हार्डनेस मतलब क्या होता है, कि अगर कोई मटेरियल हार्ड है, ठीक है, तो उस पर स्क्रैच निकालना या उसको कट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये हार्डनेस का मतलब क्या है, कि इट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब अपोज, अपोज टू व्हाट, स्क्रैच या कट, उसको स्क्रैच या कट करना डिफिकल्ट होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों हार्डनेस। ठीक है, ओके, तो जनरली जैसे कि पता है दोस्तों आपको, देखिए, ऑल मेटल्स आर हार्ड, जनरली सारे के सारे जो मेटल्स हैं कट करना डिफिकल्ट होता है ना उसको। ठीक है, जैसे कि देखिए एल्यूमिनियम कट करना डिफिकल्ट है, आप नाइफ से उसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, आप सादे चाकू से उसको जो है ना कट नहीं कर सकते। ठीक है, या उस पर स्क्रैच निकालना भी डिफिकल्ट होता है, तो ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन है दोस्तों कुछ मेटल्स का, वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम, Na का मतलब है सोडियम और K का मतलब है पोटेशियम, तो ये सोडियम और पोटेशियम ये जो दो मेटल्स हैं ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये दो मेटल्स आपके जो किचन में चाकू रहता ना उससे आप ये दो मेटल्स कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट रहते हैं ये। ठीक है, ओके, तो हार्डनेस क्या होता है दोस्तों, इट इज़ रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, उस पर स्क्रैच निकालना डिफिकल्ट है तो वो हार्ड है। ठीक है, या कट करना डिफिकल्ट है तो हार्ड है वो। ठीक है, जनरली सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं, पहला है सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, डक्टिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों ये डक्टिलिटी क्या होती है, देखिए यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों ये डक्टिलिटी क्या होती है, देखिए, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू वायर। ठीक है, मतलब अगर कोई मटेरियल की वायर आप निकाल सकते हो तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और वो मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए कॉपर, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर की आप वायर बना सकते हो ना। ठीक है, तो कॉपर के पास डक्टिलिटी मटेरियल, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वायर आप बना सकते हो दोस्तों, तो एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम के पास भी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके, फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर गोल्ड, गोल्ड की वायर बना सकते हो तो गोल्ड भी डक्टाइल है। फिर दोस्तों सिल्वर, सिल्वर की भी आप दोस्तों देखिए यहाँ पर वायर बना सकते हो तो सिल्वर के पास भी डक्टिलिटी है। ठीक है, तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू वायर, अगर उसकी वायर बना सकते हो तो उसके पास डक्टिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलियबिलिटी। तो दोस्तों ये मेलियबिलिटी क्या होती है, देखिए, तो ये मेलियबिलिटी की डेफिनेशन देखिए दोस्तों, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू शीट्स, शीट मतलब जो है मराठी में उसको पतरा बोलते हैं। ठीक है,
तो अगर उसका पतरा निकाल सकते हो उस मटेरियल का, तो उसके पास मेलियबिलिटी या प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम का आप शीट निकाल सकते हो ना, एल्यूमिनियम की शीट बना सकते हो, गोल्ड की आप शीट बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये एक मेलियबल मटेरियल्स है, ठीक है। अब मेलियबिलिटी के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंडक्शन ऑफ हीट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट। तो दोस्तों ये कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, तो दोस्तों ये कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, मतलब कितने आसानी से वो जो मटेरियल है वो अपने अंदर से हीट को कंडक्ट करता है, उसको कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो जनरली जैसे कि सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं दोस्तों, देखिए कॉपर जो है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इसके अंदर से जो है आसानी से जो है हीट आसानी से कंडक्ट होती है, ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सारे के सारे जो है आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों हमें यहाँ पर पढ़नी है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देखिए 7 नंबर की प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जैसे कंडक्शन ऑफ हीट है वैसे ही दोस्तों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलोगे आप यहाँ पर, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कितने आसानी से उस मटेरियल के अंदर से करंट पास होता है उसको बोलते हैं दोस्तों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जनरली आपको पता है सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, सो जनरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर से दोस्तों करंट आराम से फ्लो करता है, कॉपर के अंदर से, गोल्ड के अंदर से, सिल्वर के अंदर से, ठीक है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं इनके अंदर से दोस्तों करंट आराम से फ्लो करता है, ठीक है, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं उसके अंदर से करंट आराम से फ्लो करता है, इसीलिए हम लोग इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी, ठीक है। तो ये डेंसिटी क्या होती है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब क्या है, तो डेंसिटी का एक्चुअल मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन डेंसिटी का मतलब होता है दोस्तों इट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब जनरली हैवीनेस, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हेवीनेस, ओके, मटेरियल कितना हेवी है या लाइट है वो डेंसिटी के ऊपर से हमें यहाँ पर समझ में आता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हेवी होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो लाइट होगा, ठीक है। तो जनरली सारे के सारे जो मेटल्स हैं दोस्तों वो हेवी होते हैं, देखिए आपके पास एक 5 किलो का एल्यूमिनियम का गोला है, वो उठाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होता है ना, क्योंकि हेवी है वो। कॉपर का भी वैसे है दोस्तों, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये हेवी होते हैं, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जनरली ऑल मेटल्स आर हेवी, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो मेटल्स हैं जनरली उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। पानी के ऊपर अगर ये मेटल्स डालोगे तो ये तैरेंगे नहीं, नीचे डूब जाएंगे, क्योंकि पानी से ज़्यादा है डेंसिटी उनकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों जिनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, देखिए एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सोडियम, ठीक है, और जो पोटेशियम है, ये सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है, ओके। मतलब इनकी डेंसिटी पानी से भी कम होगी, ठीक है, ये सोडियम और पोटेशियम है, इनकी डेंसिटी पानी से भी कम है, ठीक है। तो डेंसिटी के अंदर दोस्तों आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बात करते हैं दोस्तों ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में। तो दोस्तों ये मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जिस टेम्परेचर पर मटेरियल मेल्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और जिस मटेरियल पर मटेरियल बॉइल करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिस टेम्परेचर पर मटेरियल मेल्ट करता है, ठीक है, जैसे पानी, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है ना, ठीक है, तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, और पानी बॉइल कहाँ पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच मटेरियल मेल्ट, जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट करता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर पर वो बॉइल करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली सारे के सारे जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई होता है बहुत ही।
तो जनरली देखिए दोस्तों, सारे मेटल्स जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। वो एक्सेप्शंस क्या है कि मर्क्यूरी, जैसे कि मर्क्यूरी अभी आप यहाँ पर लाओगे तो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखेगी, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। गैलियम दोस्तों, ये भी जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। फिर दोस्तों सोडियम और पोटेशियम, ये सारे के सारे जो मेटल्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर पढ़नी है जिसका नाम है सोनोरिटी, ठीक है। तो ये सोनोरिटी क्या है, देखिए दोस्तों सोनोरिटी का मतलब देखिए, सोनोरिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, साउंड ऑन स्ट्राइकिंग मतलब अगर आप उस पर ऐसे मारोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है। तो जनरली सारे के सारे जो मेटल्स है अगर आप उसको स्ट्राइक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो सारे के सारे जो मेटल्स है वो उनके अंदर सोनोरिटी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब आप क्या बोल सकते हो, ऑल मेटल्स जनरली, जनरली ऑल मेटल्स आर सोनरस, ठीक है, सोनरस मतलब सारे के सारे जो मेटल्स हैं उनके पास ये सोनोरिटी प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये वाला पार्ट जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर नॉन मेटल्स जो हैं, ठीक है, ये नॉन मेटल्स जो हैं ये नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।